नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबर। सहारनपुर क्राइम ब्रांच एम थाना गागलहेड़ी सहारनपुर पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के सामान, 56 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल चार्जर, 3 टैक्सी को चार्जर, 5 ईयर लीड आईफोन, 4 डाटा केबल, 5 साड़ियां व अवैध असला कारतूस बरामद किया गया, जिसका अनावरण आज पुलिस लाइन के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि दिनांक 7-8 मार्च 2021 की रात्रि में पेट्रोल पंप के सामने कपड़े की दुकान में चोरी होने पर दुकान मालिक ने लिखित तहरीर दी, जिसके संबंध में थाना गागलहेड़ी पर बाद में पंजीकृत किया गया था, तथा दिनांक 26 मार्च 2021 को यादव मार्केट कस्बा गागलहेड़ी में मोबाइल दुकान पर दुकान मालिक अमरीश यादव पुत्र धर्मपाल यादव निवासी खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेड़ी द्वारा थाना गागलहेड़ी पर भावी पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना गागलहेड़ी व क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। NVD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थाना गागलहेड़ी और हमारी SOG टीम ने दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी का माल काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। दो घटनाएं चोरी की अभी विगत महीनों में थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। जितने मोबाइल सेट नए नए थे सब चोर उठा ले गए थे, और एक कपड़े की दुकान में हुई थी। दोनों का माल इसमें बरामद हुआ है। मोबाइल करीब 56 की संख्या में नए मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। ये जो चोर हैं वो उनका गांव वहाँ से 8 किलोमीटर है घटना स्थल से देखा जाए, पैदल ही आए थे और उन्होंने इन दुकानों को निशाना बनाया था। इनके पूर्व इतिहास के बारे में अभी जानकारी की जा रही है और इन दोनों चोरों को जेल भेजा जा रहा है। दो चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा 15,000 का इनाम पूरी टीम को, जो भी खुलासे में टीम रही है हमारी SOG की टीम और गागलहेड़ी पुलिस, उनको दिया गया। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी पूछताछ में एक बार पहले भी मोबाइल चोरी की बात इसमें से एक ने स्वीकार किया है, और भी इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। ये नागल थाना क्षेत्र के दोनों रहने वाले हैं। इन्होंने और क्या घटना किया इसके बारे में अभी हम छानबीन कर रहे हैं।